दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 अगस्त तक बढ़ा दी है। उन्हें विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा की अदालत ने तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया था। अदालत इस मामले में केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई द्वारा दायर पूरक आरोप पत्र पर 12 अगस्त को विचार कर सकती है। इससे पहले सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने इसी घोटाले के मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखा था। उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा था कि सीबीआई की कार्रवाई में कई दुर्भावना नहीं है। एजेंसी ने दिखाया है आम आदमी पार्टी सुप्रीमो कैसे उन गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं जो उनकी गिरफ्तारी के बाद भी गवाही देने का साहस जुटा रहे हैं। अदालत ने कहा कि सीबीआई द्वारा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और प्रासंगिक सबूत जमा करने के बाद ये नहीं कहा जा सकता कि ये बिना किसी उच्च कारण के अवैध था। अदालत ने कहा कि केजरीवाल कोई साधारण नागरिक नहीं है बल्कि मैग्सायसाय पुरस्कार विजेता और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं। हाई कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि पर्याप्त सक्षम एकत्र किए जाने पर अप्रैल 2024 में मंजूरी मिलने के बाद एजेंसी उनके खिलाफ आगे की जांच में जुटी थी। अदालत ने कहा कि अपराध के तार पर पंजाब में फैले हुए थे लेकिन केजरीवाल के पद के कारण उनके प्रभाव की वजह से सहमतपूर्ण गवाह सामने नहीं आ रहे। जज ने कहा कि उनके गिरफ्तारी के बाद ही गवाह अपने बयान दर्ज कराने के लिए आगे आए थे। उच्च न्यायालय ने कहा कि प्रत्येक न्यायालय का यही दायित्व है कि वह सुनिश्चित करे कि गिरफ्तारी और रिमांड की असाधारण शक्तियों का दुरुपयोग ना हो वरना पुलिस की लापरवाही और अखड़ तरीके से इनका उपयोग न किया जाए। केजरीवाल के वकील ने दलील दी कि सीबीआई ने अगस्त 2022 में एफआईआर की थी और पिछले 2 सालों में जांच चल रही थी। उन्होंने कहा था कि गिरफ्तारी ज्ञापन में कोई नया सबूत या आधार नहीं है जो कि साल जून में उनकी गिरफ्तारी को सही ठहरा सके। हाईकोर्ट ने सीबीआई द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर 17 जुलाई को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। अदालत ने केजरीवाल और केंद्रीय एजेंसी के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद 29 जुलाई को आम आदमी पार्टी नेता जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। केजरीवाल को सीबीआई ने 26 जून को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया जहां वो ईडीआई द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में न्यायिक हिरासत में बंद थे। इससे पहले मुख्यमंत्री को 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया और धन शोधन मामले में निचली अदालत में 20 जून को उन्हें जमानत दे दी गई। हालांकि हाई कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी। इसके बाद उच्चतम न्यायालय ने 22 जुलाई को उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत दे दी और पीएमएलए के तहत गिरफ्तारी की ज़रूरत के पहलू पर 3 सवालों का गहन विचार के लिए इस मामले को बड़ी पीठ को भेज दिया गया था। लेकिन शराब घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार में एक मामला सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के बाद फिलहाल न्यायिक हिरासत में होने की वजह से जेल से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।